सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर चंद्रयान 3 को भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष ये जानना चाहता है कि चंद्रयान 3 क्यों इतना अहम हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान 2 जब गया था फेल हुआ उसके बाद लोगों की उम्मीदें टूटी, और इस बार ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साउथ पोल ही क्यों चुना इसरो ने और भारत ने। आपका लास्ट पोर्शन में पहले जवाब देता हूँ, साउथ पोल ही बिल्कुल क्यों। देखिए, चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई भी एस्टेरॉयड है, कोई भी जो मेटियोराइट्स हैं, कोई भी उल्का है, कॉमेट है, वो डायरेक्टली आके वहां पे बॉम्बार्ड करता है, जाके उसके सरफेस से बिल्कुल जाके सीधा टकराया और चूर चूर हो गया। जी। तो चंद्रमा का जो इक्वेटर है इसके आसपास में बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट हुए हैं। तो चंद्रमा जो ओरिजिनल जो जो वहां का स्टोन है वो वहां पे आपको कम मिलेगा, ये जो बाहर से आए हुए जो स्टोन्स हैं वो आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आप चंद्रमा की जो सतह है उसकी जांच करना चाहते हैं, उसकी परीक्षण करना चाहते हैं, तो आपको इक्वेटर से दूर जाना पड़ेगा, चाहे साउथ चाहिए चाहे नॉर्थ चाहिए। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ कि साउथ में जाएंगे, क्योंकि वहां पे पहले हमने हमारा जो चंद्रयान 1 है उसने वो वहां पे पानी भी देखा था, वाटर देखा था, उसके क्रिस्टल्स देखे थे, तो उस तरफ में जा रहे हैं और उसको रिकन्फर्म करेंगे कि क्या वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं है। तो इसीलिए साउथ पोल। वहां पे एक और चीज होने वाला है कि चंद्रमा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसके सैंपल, उसके पत्थर वहां पे मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, रादर देन जो ये कंटामिनेशन जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए वहां पे पत्थर कम मिलने के चांसेस हैं, और ओरिजिनल पत्थर जो उसका है, स्ट्रक्चर जो है, वो ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं कि हम लोग साउथ पोल पे जा रहे हैं। दूसरा आपने पूछा कि चंद्रमा क्यों। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें एक चीज दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर मान लीजिए पहला व्हील अगर आज से 2500 वर्ष पहले नहीं बनता, तो आज हमें क्या हम मोटर गाड़ी हम देख पाते। पहला इंजन जिसने भी बनाया था, चाहे जिस भी फॉर्म बनाया था, अगर वो स्टीम इंजन नहीं बनता तो क्या आज हम ये हाई स्पीड ट्रेन देख पाते। इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आज हम चांद के ऊपर में गए हुए हैं, कल इसी के ऊपर में और अपग्रेडेशन होगा, कल हम कहीं और जाने की अगर नौबत आई देश को, तो वहां पे भी हम अपने जो यंत्र हैं, हमारा जो क्राफ्ट है, उसको हम वहां भेजने के लिए तैयार रहेंगे। तो टेक्नोलॉजी हमेशा कभी ये फेल नहीं होती, हमेशा ये किसी न किसी काम आपके आती रहेगी, चाहे इसका एक पोर्शन या पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, अगर पैसे की कमी है तो ठीक है, तब ये सवाल उठता है। तो आज से 14 साल पहले पैसे की कमी थी हमें, क्योंकि उन दिनों में भारत जो था वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, आज के दिन में भारत जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। तो जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम लोग वो स्लिंग ऑपरेशन, आपने देखा होगा चंद्रयान 1 इसको भी पहुंचते पहुंचते लगभग 1.5-2 महीने लग गए थे, चंद्रयान 2 को भी उतना ही समय लग गया, क्योंकि हम लोग छोटे क्राफ्ट में इसको भेजते हैं। हमारे पास में जो GSLV है उसकी जो वाहक क्षमता है वो 4 टन के आसपास में, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये जो हमारी लिमिटेशन है इसको ध्यान में रखते हुए कम पेलोड को हमने भेजा हुआ था, ऐसा था। आज के दिन में जो LVM जिसको लेके चंद्रयान को लेके गया हुआ है, इसकी क्षमता ज्यादा है, तो आज के दिन में हम ज्यादा ईंधन वाले भी यान भेज सकते हैं जो कि सीधे भी जा सकती है, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है पिछली बार सक्सेसफुल था, हमने जो चंद्रयान 2 था हमने सारा कुछ किया, सिर्फ जो अंतिम के वो 2-3 सेकंड्स थे उसमें जो फेलियर हुआ, उसके अलावा तो बिल्कुल एकदम कॉपी बुक स्टाइल जो था साइंस का वो हमने देखा था। तो वो सक्सेसफुल सिस्टम था, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी था, इसीलिए हमने चंद्रयान 3 में भी वही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी अपनाया हुआ है, तो इसीलिए जाने में ज्यादा टाइम लगा है।